नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने ATM का न्यू पिन जनरेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे HDFC नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर दे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट आप आ सकते हैं। यहाँ यूजर आईडी अपना डाल दें और कंटिन्यू कर दें। फिर अपना पासवर्ड डाल दें, जो भी आपका पासवर्ड है। टिक कर दे, लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे कार्ड्स पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे डेबिट कार्ड में हम लोग जाएंगे रिक्वेस्ट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे इंस्टेंट पिन जनरेशन। इसमें जाने के बाद हम लोग कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आप पिन डालना चाहते हैं वो पिन अपना डाल दें, 4 डिजिट का, दोनों में री एंटर भी कर दें और कंटिन्यू कर दें। प्लीज सेलेक्ट होकर कार्ड सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू कर दें। मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे डाल दें। OTP डाल के कंटिन्यू कर दें। फाइनली आपका कार्ड का जो भी पिन है वो चेंज हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो लाइक करें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।